जय सत्यम सुधायन में वेलकम बैक। और सॉरी भी, क्योंकि हुआ क्या था, पिछली दो वीडियोस में एक्चुअली ना कुछ जो भी देखने वाले हैं उनको एक तरह से वेलकम और ना कुछ, और ख़ास कर से एंड में, क्योंकि थोड़ा फ्लो फ्लो में मैं भूल गया था कि एंड में भी मान लो कोई वीडियो देख रहा है तो एक साथ ही वीडियो कट जाए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो उन दो चीज़ों के लिए मेरी तरह से सॉरी। और ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी आपकी फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप पर, एंड में आखिर कौन बचता है या फिर क्यों चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पार्ट कवर नहीं हुआ था, तो उसी के बारे में कवर मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में हैं जो और भी आपको पता होनी चाहिए। और ये कि आखिर जैसे उस मैंने वीडियो में बताया था कि आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं मैं बोलने में अटक रहा था या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ छुपा रहा है या फिर कुछ मतलब बता नहीं रहा। क्योंकि बात यह है कि जैसे कि मैंने उसमें अपने दोस्तों का जिक्र किया था, नाम ओपन नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पर्सनल लाइफ है मैं इतनी ओपन नहीं कर सकता और थोड़ा शब्दों को बहुत समझ के बोलना पड़ता है वीडियो में, कहीं ना कहीं किसी और की इमेज ख़राब ना हो क्योंकि उनका भी कैरियर है मेरा भी है और भी अभी बहुत सी चीज़ें आगे आनी है, तो फिर किसी का कोई चीज़ मतलब डिस्टर्ब ना हो तो इसलिए थोड़ा सा शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो इसलिए आपको शायद लगाओ कि क्योंकि मैंने खुद वीडियो देखी थी मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं टकराऊँ, फिर मन में आता है कि एडिटिंग कर लूँ, फिर ये आता है कि भाई मैं झूठ छोड़ना बोल रहा किसे, जो सच है जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी और को कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी पर वो नहीं कर रहा, किसी और की चीज़ ख़राब नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ा इसलिए आपको लग रहा होगा। और अब मैं बताता हूँ कि मतलब ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं वो बताना चाहता था कि आखिर फिर चीज़ आखिर बसती कौन सी है। देखिए होता ये है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्ती अलग हो गई, रिलेशनशिप तब बसता है जब आप आध्यात्मिक स्तर पर एक तरह से बराबर हैं, पैरेलल है। लव का मतलब ये जो पैरेलल है, लव इज़ गॉड इसीलिए कहा गया है। तो होता क्या है, चीज़ें आप बसती कौन सी हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा था, मैं रही क्रिया कर रहा था, वो नहीं कर रहे थे, तो वो उनका लेवल मतलब एक तरह से यहाँ पर मेरे यहाँ पर, तो अब दोनों चीज़ ख़त्म हो गई। जब होता क्या है, जब आप दोनों वो भी रही क्रिया योग मैं भी कर, कहीं ना कहीं वो भी अपने आध्यात्मिक विकास पर है मैं भी आध्यात्मिक विकास पर हूँ, जब हम रेही क्रिया योग करते हैं तभी एक समानता आती है, तभी हमारी दोस्ती टिक पाती है। भाई कोई मोटो तो हो, केवल एन्जॉयमेंट अगर किसी चीज़ का मोटो है तो वो चीज़ नहीं टिकती ना, आप ही एक टाइम बाद परेशान हो लेंगे। बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों कहते हैं कि यार किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ मन नहीं लगता, वही चीज़ कि आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी तो है नहीं, कहीं ना कहीं लाइफ में संतुलन नहीं है, वो केवल और केवल वो घूमना एन्जॉयमेंट ये फाइनल टाइम का, तो वो परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है मैं वो नहीं कह रहा कि घूमना बुरा है या फिर वो चीज़ बुरी है, लेकिन आप अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस तो रखो तभी तो उस चीज़ का मज़ा आएगा। हाँ तो मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअली डेवलप हो रहा था तब क्या अभी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना भी अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हूँ कि मेरे पास कोई समाधि हो कि मैं समाधि में बैठ जाता हूँ फिर उठता हूँ ध्यान में करीब करीब 2-3 दिन बाद। ध्यान है मेरे पास अच्छा है, मेरे पास अच्छी मैं रही क्रिया उससे दिन ब दिन डेवलप हो रहा हूँ। तो हुआ क्या था, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब हम दोस्ती में साथ थे तब तो भाई एक आपकी वाइब्रेशन रहती है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब रही क्रिया योग करते हैं वाइब्रेशन बनी रहती है बनी रहती है बनी रहती है, क्योंकि आप करते हो। मान लो जैसे मेरे दोस्तों के पेपर होते थे तो मैं उनमें करता था रही क्रिया योग, मैं चल यार क्योंकि मैं उस टाइम पास हो चुका था और मेरे दोस्तों के जो ग्रुप थे वो क्लियर नहीं हुए थे, तो मेरा मन करता था कि यार चल ये अपना मेहनत कर रहे हैं। अब मेरा एक तरह से ना, जब आप ध्यान करते हो ना, जब आप रही क्रिया योग करते हो खुद में, तो आपके जब चक्रों का शोधन होता है ना, तो आप में एक दया भाव, एक आप में मतलब औरों के लिए करने वाला भाव, एक अपने आप में अच्छा, तो आपका मन करता है कि चल यार ये मेरा दोस्त बनता है, मेरे को अगर चीज़ आ रही है ये नहीं कर रहा तो मैं इसके लिए कर लेता हूँ। तो मैं उनमें भी थोड़ा बहुत ध्यान कर दिया करता था कि अपना बैठा वही ध्यान में, फिर उनका रही क्रिया कर दिया या फिर ऐसा बोल दिया कि चल कि इनका कोई भी शक्ति है, इनका ज़रा ध्यान रखना, इनका ज़रा पास पास कराना। तो जो मेरा दोस्त था तो उसका क्या था, जब उसके पेपर होने वाले थे, हमारे मई जून पेपर होते हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है उसके नवंबर में पेपर थे, तो जब उसके पेपर होने वाले थे तब उससे कुछ महीने पहले मेरे को आया था सपना। और अगर आपको ये देखना है कि आप स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं तो पहला तो उसका ये होता है कि आपका जो ध्यान में आपकी जो इमेज टिकती है, आप मान लो ध्यान में बैठ गए, अपना रही क्रिया योग कर रहे हैं, आप अपना ध्यान में सर्कल घुमा रहे हैं, तो आप अपना देखना कि आपकी इमेज टिकनी शुरू होती है। पहले होता है कि आप आँख बंद करके बैठे तो आपका हो सकता है कभी कुछ दिख रहा हो, कभी पता लगा किसी अखबार में न्यूज़ देखी वहाँ पहुँच गया, कभी कहीं पहुँच, मतलब आपका चित्र आप टिकाने की कोशिश करते हो ना पैरों पर और वो भागेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चित्र जो है भागता है वो भागेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपना मेहनत करो कि मैं अपना चित्र अपने पैरों से, वही जो रही क्रिया जो की प्रोसेस है आप उसी पर टिकाओ। तो
शुरुआत में ये होता है, तो अब मैं जैसे उसका ध्यान लगाता हूँ, तो अब होता क्या है, जब जैसे जैसे आपका चित्र टिकना शुरू हो जाएगा, आप समझ जाओ कि आपका ध्यान अच्छा होता जा रहा है, और जैसे आपके सपने अच्छे अच्छे मतलब पॉजिटिव सपने आने शुरू होते हैं आपको, तो आप समझ जाओ कि आपका ध्यान अच्छा हो रहा है। तो मेरा ध्यान बहुत अच्छे लेवल पर था, तो मैं अपना रात को ऐसे सोया उसका ध्यान बन करके, मेरे को सपना दिखता है कि आने वाले अटैम्प्ट में ये पास हो जाएगा, जो मेरा दोस्त है, या आने वाले अटैम्प्ट में पास हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार मेरे को सपना आया तेरे बारे में कि जैसे आने वाला अटैम्प्ट है तो उसमें पास हो जाएगा। अब क्योंकि वो मेरा बहुत शुरुआती थी, तो आपकी आपको अपने बात पर इतना बहुत प्रूफ नहीं होता, क्योंकि समाधि तो मेरे पास है नहीं कि समाधि में बैठ गया बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रिडिक्शन ठोक दूं कि भाई ये तो बिल्कुल पास ही होगा दिखाएगा। मैंने सपना दिखा था कि मैंने भाई तू पास होगा अपना आराम से, और उसे मैंने बताया, उसको भी उस टाइम को सपना सा आया था अपनी पढ़ाई को लेकर ही, बस हमने जनरली बात करी अपना, फिर पढ़ाई में वो अब लग गया, मैं अपना आर्टिकलशिप पे आता था उस टाइम। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट आए, रिजल्ट से पहले ही हम अपना अलग हो चुके थे। हुआ क्या था, जैसे मैंने देखा कि जो पास होने वाला है तो वो उस अटेम्प्ट में पास हो गया था, और मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब इसका मतलब कुछ तो है, मतलब कि जब रही के मैं करता हूँ तो इसमें मतलब पावर्स हैं, अपने आप में कुछ पावर्स हैं, क्योंकि मैं उस टाइम किसी भी, ये नहीं कि मैं कुछ दीपक जला के किसी भगवान की पूजा करना या पूरे दिन अपना वो थाली लेके बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं करता था, केवल रही क्रिया योग, सत्यम सिद्धाय नमः का जप, अपने आप में रही क्रिया योग। और एक टाइम तो ऐसा होता है जब वो करते हैं, जब अपना रही क्रिया योग करना शुरू करते हैं तो मंत्र भी अपना शांत हो जाता है, फिर आपके अपने से सवाल जवाब रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ में ऐसा, मतलब आपका चिंतन बढ़ जाता है, आपका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, फिर एक टाइम बाद मंत्र भी चलता है लेकिन आपको पता नहीं होता, वो एक तरह से साइड हो जाता है आपका, चलता 24 घंटे रहता है लेकिन फिर एक तरह से वो हट जाता है वहाँ से। फिर क्या हुआ, मैंने उसे बताया, वो कुल मिला के वो पास हो गया, फिर हमारा दोस्ती के बाद हम अलग हो गए। फिर एक और एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को कि जैसे अब हम अलग तो हो चुके थे, तो वो क्या, वो किसी क्लाइंट के यहाँ गया था हमारे ऑफिस से, मैं अपना ऑफिस में बैठा था, तो उसका कुछ पार्सल आया था, कोई उसने चार्जर का अडेप्टर मंगाया था, उसका वो पार्सल आया था। तो हुआ क्या था, अब हमारे ऑफिस की टाइमिंग 7 बजे होती है, अगर आप 7 बजे से पहले ऑफिस आए तो सीधी सी बात है बॉस आपसे बोलेगा कि भाई अभी ऑफिस का टाइम क्या हुआ है, 7 बजे तक बैठो। तो उसने क्या करा कि क्लाइंट के यहाँ से वो करीब करीब 5 बजे आ गया था, अब उसको अपना वो पार्सल ऑफिस से लेना था, तो वो बाहर खड़ा था, मेरे को नहीं पता कि बाहर खड़ा था या नहीं खड़ा था। अब वो खुद तो ऑफिस आ नहीं सकता था, क्योंकि अगर खुद ऑफिस आता तो बॉस कहते कि भाई 7 बजे तक बैठो, अभी तो 5 या 4 ही बजे हैं, अब आप क्लाइंट के यहाँ से कब निकले क्या निकले बॉस को नहीं पता, आप सीधे कह दोगे कि मान लो फ़ोन भी आता, वैसे नहीं करते बॉस का भी नहीं करते, उनको खुद इतना काम होता है, वो कहाँ नज़र रखेंगे। तो हम तो मतलब जब आर्टिकल जाता है बाहर तो वो तो यही खास करते, जो जिनका काम करने का मन नहीं करता वो तो मतलब ज़्यादातर ये कहते हैं चल ठीक है आज बच जाएंगे। तो वो क्या, उसने क्या कहा कि कहा, तो उसने क्या करा, अब उसका अडेप्टर उसमें ऑफिस में उसको लेना है, मेरे से बात नहीं कर सकता, उस टाइम ऑफिस में हम 2 बंदे थे उस दिन जो आए थे, तीसरा वही दोस्त जो बाहर गया था, मुझसे वो कह नहीं सकता क्योंकि लड़ाई हो चुकी है कि यार मेरा एक अडेप्टर है, मैं जरा गली के बाहर तक खड़ा हूँ, तू देने आ जा। अब क्या हुआ, उसने कोई और लड़का भेजा ऑफिस में, वो कहता है मेरे से आके, मेरे को नहीं पता था कि वो कहाँ है, जो मेरा दोस्त है वो आया, मेरे को क्या पता होगा कि कहाँ है, दूसरा लड़का आया मेरे पास कि अरे भाई वो तुम्हारे दोस्त का यहाँ पर कोई वो रखा है क्या पार्सल, वो ज़रा मैं घर जाऊँगा तो वो तुम्हारा दोस्त जब रात को ऑफिस के बाद आएगा मुझसे ले लेगा। तो अंदर से एक तरह से मेरे अंदर एक तरह से कुछ अपना ऐसा लगता है कि जैसे कोई और बोला हो अंदर से, एक इंट्यूशन सी या पता ना, अंदर से बोला मैंने उस लड़के से, मैंने कि एक बात बता तू तो पहले मुझसे झूठ मत बोल कि वो शाम को आएगा तू उसको देगा, मैंने कि बाहर खड़ा है ना वो गली के, उसने कहा हाँ, और मैंने कि देख बाइक पे आया होगा अपने घर जा रहा होगा वो ले के, उसका ऐसा चेहरा खुला रह गया कि भाई इसे कैसे पता लगी। और जब उसने हाँ में हाँ मिलाई, थोड़ी देर बाद में अपना फिर काम में बैठा, तो मेरी एक तरफ से मेरी तरफ नज़र गई, मैंने कहा कि यार ये अचानक से कहाँ से मेरे मन में आया कि मतलब कि वो बाहर खड़ा है, बाइक पर ही है, और सबसे बड़ी बात कि घर जा रहा, हो सकता है बाहर खड़ा हो, भाई बाहर खड़ा हो वो हम एक बार मान सकते हैं कि दूसरे आदमी को भेजा है उसने, कि आप एक बार अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन इतनी तीनों चीज़ें करेक्ट कैसे कि बाइक पर ही है और अपने घर जा रहा होगा और ऑफिस नहीं आना चाह रहा, ये चीज़ें। तो फिर मेरे को लगा कि यार मतलब मैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डेवलप हो रहा हूँ, और ये मतलब इसको एक तरह से वहम तो आप मान सकते हैं, अपने अपने मुँह से खुद बोला है, आप सपने में भी नहीं हो ये नहीं आप अंदाज़ा कर सकते हो उसको। तो मेरे को लगा भाई हाँ मतलब इसका यहाँ फ़ायदा है कि आप अपने स्पिरिचुअली अपने आप को एक तरह से बहुत डेवलप करते हो। तो ये दो बहुत ही एक्सपीरियंस है मेरे, जब आप औरों में भी ध्यान करते हो और अपने आप को चार्ज करते हो औरों में ध्यान करते हो, तो आपकी आपको औरों की भी चीज़ पता लगती हैं, आप अपने आप को भी डेवलप करते हो, आपकी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, आप टिकते वही हैं आपके साथ एंड में, जो रही क्रिया योग मतलब जो स्पिरिचुअल हैं, जो ध्यान लगाते हैं, जो अपने आप को भी डेवलप करते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक बच्चा है
ट्वेल्थ क्लास में और एक है हमारा 10th क्लास में, तो दोनों साथ वही रहेंगे, साथ जब रहेंगे दोनों 10th 12th में, मतलब कि या दोनों 10th में। अगर मान लो मैं और मेरे दोस्त 10th में, ठीक है, हम अभी एक लेवल पर हैं, अब मैं पास हो गया, पहुंच गया 12th में, वो अभी 10th में ही है, तो फिर दोनों में मतलब साथ कैसे रहेंगे? तो वही है कि अगर आप रही क्रिया करोगे, ध्यान लगाओगे, तो ही आपकी दोस्ती और सब चीज़ें बात में रहती हैं। एक लव लाइफ को लेके और एक्सपीरियंस मतलब रिलेशनशिप को लेके, कि अब होता क्या है कि जैसे आपकी मान लो खासकर से मैरिड लाइफ की बात, कि आपका मैरिड लाइफ आपकी आ चुकी, आप अपना शादीशुदा हो, अब आप वही है आपका कि आप अपना नौकरी जाते हो, आपकी वाइफ भी नौकरी जाती है, घर पर रहती हैं, अब आप अपने दोनों जॉब में लगे हुए हो, अब कहीं ना कहीं आपका बस वही है, दिमाग बहुत एकदम है कि बाहर अपना नौकरी करी, पैसे कमाए, फिर घर पे आए, बच्चों को दिया, नौकरी पैसा नौकरी, मतलब आप उसी चीज़ में भी घूम रहे हो, फिर इरीटेशन आने लगती है, आपकी वाइफ भी कहेगी कि यार तुम तो पूरे दिन मतलब वही ऑफिस की बातें, वही कुछ, एक कहीं अपना माइंड फ्रेश नहीं करते या वो नहीं करते, या फिर हस्बैंड कहेगा मतलब बेमतलब लड़ाई हो जाएंगे कि यार तुम्हें अपना वही रहे कि इसकी यहाँ पे हो गया, मोहल्ले में ये हो गया, फिर फलाने टिमका, तो फिर दोनों में लड़ाई होती है। अब रही क्रिया क्या करता है कि दोस्ती में भी फ्रेंडशिप में भी, अब हो सकता है कि आप ध्यान लगाते हैं, आपके पार्टनर नहीं करता ध्यान, तो फिर आप वो फिर वही कि आपका फिर वही मानसिक स्तर मैच नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ध्यान करोगे, ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान करते हो अपने पार्टनर में, तो कहीं ना कहीं उसकी भी आत्मिक शक्ति जो उठती है, जब आप उसमें एनर्जी डालोगे, तो एक तरह से आप करके आए हो, अपने वो जो डाल रहे हो कि आप ध्यान में आप बैठे, आप एक तरह से वो सोच रहे हो कि यार आखिर क्यों लड़ाई होती है, क्या होती है, अपनी आत्मा को जानने हो, आप उसमें एनर्जी डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स डाल रहे हो उसमें, तो उसके अंदर भी तो वो थॉट्स आएंगे, आप अपने आप थॉट्स किसी में डाल रहे हो, तो उसके अंदर भी तो थॉट्स आएंगे कि यार हाँ मैं गलती से लड़ गया था। और बहुत बेस्ट है अगर आप दोनों ही ध्यान करते हो एक दूसरे में, आप ध्यान करते हो कि हमारी क्यों लड़ाई हुई, क्या हुआ है, तो आप अपने थॉट्स डाल रहे हो दूसरे आदमी में, दूसरा आदमी वो उस थॉट को सुन रहा है, दूसरा आदमी आप में थॉट्स डाल रहा है, क्योंकि वो भी सर्कल बना रहा है, आप भी सर्कल बना रहे हो और आप भी उन थॉट्स को ले रहे हो, तो आपके समझ में आती है कि अच्छा यहाँ गड़बड़ हुई थी, ये है, आप में एक सॉरी वाला वो होता है, क्योंकि पहले तो ये होता है कि मैं क्यों मांगूंगा सॉरी, इसकी गलती थी, मतलब हम कहीं ना कहीं एक थोपने जाते हैं, हम लड़ते हैं, लव में होता है कि गिविंग, लव में कभी ये कहकर लव नहीं करा जाता कि भाई मैं तो तब प्यार करूंगा जब तुम मेरे को प्यार करोगी या प्यार करेगा, कि भाई पहले मेरे को लव करो तभी तो मैं आपको लव करूंगा, वो कभी चीज़ नहीं होती, लव में हमेशा देना होता है कि, और वो भी निस्वार्थ से, ये कि चलो ठीक है भाई मेरी, मैं लव करता हूँ तो मैं ये थोड़ी ना कि एक मांगता थोड़ी ना हूँ, लव का मतलब होता है, लवर का मतलब होता है देने वाला, तो मैं तो भाई दूंगा, ठीक है भाई मेरा पार्टनर ध्यान नहीं करता, मैं ध्यान करूंगा, मैं इसकी आत्मिक उन्नति करूंगा, ये फिर खुद ध्यान करेंगे, तो जब आप अपने ध्यान करते हो ना, तो आप में ये चीज़ डेवलप होती है, आप में एक सॉरी वाला फील डेवलप होता है, आप में एक लव की फीलिंग आती है, आप समझना शुरू करते हो, सामने वाले को भी लगता है कि यार बताओ लड़ने के बावजूद भी, मतलब चाहे मेरी गलती चाहे इसकी गलती सही, कोई गुस्सा नहीं, वो समझा रहा है मेरे को या फिर सॉरी आके बोल रहा है, तो सामने वाले को भी लगता है कि यार बताओ, मतलब उसको भी फील होता है कि फिर मेरी जगह कहाँ है, मैं तो हर बार लड़के ऐसे हो जाता हूँ ऐसे हो जाती हूँ, फिर मेरी जगह कहाँ है, और फिर वो भी रही वो सब वो उसको भी दिखता है कि भाई रही क्रिया योग करके या फिर ध्यान लगाकर इसमें इतनी है, मतलब इसमें समझ उसी से आ रही है, तो मैं क्यों ना करूँ, तो फिर वो भी करना शुरू करता है। तो आप कंप्लेट ना डालें कि वो नहीं करता या नहीं करता, खुद को डेवलप करें, जब आप में वो चीज़ दिखाई देगी तो सामने वाला खुद उस चीज़ को करता है, जब आपके नेचर में वो ध्यान चीज़ दिखाई देगी तो सामने वाला वो खुद उस चीज़ को करता है। तो यही थे मेरे दो जो वीडियो में कवर होने गए थे, ये कुछ चीज़ें थी जो, और आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा इन चीज़ों पर, अभी मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, अभी मैं भी अपना, क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं भी अपना कोरोना मतलब थोड़ा अपना बचाव के लिए आप मैं भी ध्यान में लगा हुआ हूँ, और ध्यान में आप ये भी कर सकते हैं, मैं तो कर रहा हूँ आजकल, कि भाई ध्यान में ये कि चलो भाई जिसका भी, क्योंकि जब आप कहते हो ना ध्यान करते हो तो फिर आप अपने मिल जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आई एम द होल यूनिवर्स, इस तरीके से कि आपने सुना होगा, कैसे मतलब आप कहते हैं मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, ये जब समझ में आती है आप ध्यान करते हो तब आपको ये बात समझ में आती है कि भाई मैं कैसे यूनिवर्स हूँ, आपको क्या लगता है आप ध्यान में बैठे हो कि यार देखो कितने लोग मतलब बीमार पड़े हैं, क्या हाहाकार मची पड़ी है और ये चीज़ें हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई चल जो कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो उनकी रक्षा करो, जो भी पावर है जितना मेरा बनता है मैं उनकी रक्षा करूँ, तो ये आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होना शुरू करते हो और लोगों से अपने आप ही, और फिर उसी तरीके से आप ध्यान में देखते हो आप में एक दया का भाव आने लगता है। अभी रिसेंटली मेरे को एक ध्यान में मतलब सपना आया था, मैंने देखा था उसमें कि जैसे कोई कोरोना का मरीज़ है, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, कोई कोरोना का मरीज़ है, वो कहीं गिर गया, अब कहीं ना कहीं सपने में मैं अपने आप में वो था, प्रोटेक्टिव था कि यार अगर मैं इसको डायरेक्ट छूँगा तो ये
मेरे को कोरोना फैला देगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने क्या करा, अपने कपड़े उतारे, अपने कपड़ों से उसे उठाया, उसे पानी पिलाया और सपना मेरा ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही सिचुएशन बिल्कुल सच होगी कि मैं जाऊंगा उसको ये करूंगा वो करूंगा। उसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि भाई आप में दया भाव है, आप भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो लोगों से और आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हो कि भाई कोई कोरोना से बीमार ना हो, कोई कुछ ना हो, कि जितना मेरा बनता है मैं उतना कर सकता हूँ। मैं किसी की जाके फिजिकली नहीं कर सकता, मैं यहाँ बैठ के अपने ध्यान से उनकी मदद कर सकता हूँ, कोई फालतू में तंग ना हो, कोई कुछ ना हो। बाकी सबका अपना अपना है। तो जय सत्यम सिद्धानंद में मेरा इस वीडियो में यही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी जितनी भी वीडियो हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, औरों को भी बताएं, उनको भी फ़ायदा होगा इन वीडियोस से, जो करना चाहता है वो कर लेगा। थैंक यू।